टुडेज फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़, ये हमारे OVG सब्जेक्ट जो है हमारा नर्सिंग जो हम लोग, अगर आप इफ यू आर नर्सिंग स्टूडेंट एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो जो है कोई भी आप नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट MCQs रहने वाले हैं। ये हमारा जो OVG सब्जेक्ट रहता है OVStricts, उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हियर यू कैन सी अ क्लाइंट विद प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड इज रिसीव मैग्नीशियम सल्फेट। एक क्लाइंट जो है वो रिसीव करता है प्रेगनेंसी इंड्यूस, यानी कि एक क्लाइंट जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन के बारे में एंड व्हाट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा था। एंड अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड नाउ क्वेश्चन पूछा है कि एक क्लाइंट जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है वो हॉस्पिटलाइज्ड है एंड वो रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट। वो क्या एक प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है, वो मैग्नीशियम सल्फेट उसने रिसीव किया है बाई आई वी फ्यूज के थ्रू जो है मैग्नीशियम सल्फेट उसे दिया गया है। बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग ईच डोज द नर्स वुड असिस्ट द क्लाइंट। एडमिनिस्टर करने से पहले, प्रत्येक ड्रग को एडमिनिस्टर करने से पहले जो नर्स है वो असिस्ट करेगी क्लाइंट में। क्या अगर क्लाइंट प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है, वो रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट IV के थ्रू, तो नर्स जो है उसे कोई भी ड्रग देने से पहले नर्स को क्या असिस्ट कर लेना है उस क्लाइंट में। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी, दैट इज रेस्पायरेशन एंड पेडुलर रिफ्लेक्स। रेस्पायरेशन एंड पेडुलर रिफ्लेक्स जो है चेक कर लेने हैं उस क्लाइंट में, रेस्पायरेशन एंड पेडुलर रिफ्लेक्स। सो हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि अ नर्स नीड टू चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। एक नर्स को जो क्या है, नीड चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। अ नर्स नीड्स टू चेक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर। वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर को चेक करना है इफ पेशेंट इज ऑन मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी। अगर पेशेंट जो है मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पर है तो नर्स को जो है वो क्या इम्पॉर्टेंट पैरामीटर जो है चेक कर लेने की ज़रूरत है। तो क्या चेक कर लेना है, अगर पेशेंट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पर तो है तो क्या यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर और ये चेक करना है, या प्रेजेंस ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स चेक करना है, या रेस्पायरेशन इज 12 ml/min एंड ब्लड प्रेशर इज 140/90 mHg। तो एक नर्स को जो है क्या चेक कर लेना है, रेस्पायरेशन जो है वो चेक कर लेना है कि 12 per minute से ज़्यादा है या नहीं है। तो ये चेक कर लेना है नर्स को, अगर नर्स जो है वो एक पेशेंट जो है मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पर है तो। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड ऑन द असेसमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेड, यानी कि इनमें से क्या नोट करेगी, क्या पूछा है, क्या नोट करेगी ऑन असेसमेंट ऑफ प्रेग्नेंट मदर रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट। एक प्रेग्नेंट मदर है, कैसी है, एक प्रेग्नेंट मदर है वो रिसीव कर रही है क्या, एक प्रेग्नेंट मदर जो है वो रिसीव कर रही है मैग्नीशियम सल्फेट। वो क्या रिसीव कर रही है, मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है एक प्रेग्नेंट मदर। एंड फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लैम्प्सिया, किसको मैनेज करने के लिए, प्री एक्लैम्प्सिया को मैनेज करने के लिए जो है मैग्नीशियम सल्फेट एक प्रेग्नेंट मदर जो है वो रिसीव कर रही है। तो एक नर्स को जो है नोट करना है, क्या नोट करना है, डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग टॉक्सिसिटी। तो क्या नोट करना है, तो क्या रेस्पायरेशन, तो इसमें क्या नोट करना है, रेस्पायरेशन ऑफ 10 breath per minute, ये देखना है कि रेस्पायरेशन जो है 10 breath per minute है या नहीं, या प्रोटीन यूरिया देखना है ऑफ 3+, या प्रेजेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स, या सीरम मैग्नीशियम लेवल ऑफ 6 mEq/L। तो क्या असेस करना है, तो इसमें जो है एज अ नर्स जो है उसे क्या असेस कर लेना है, रेस्पायरेशन देखना है 10 breath per minute। तो ये चीज़ जो है एज अ नर्स उसे नोट डाउन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन
कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन. मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इज एडमिनिस्टर्ड एवरी 4 आवर. मैग्नीशियम सल्फेट जो है एडमिनिस्टर किया गया है लगभग मैग्नीशियम सल्फेट. यहाँ पे क्या पूछा है मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है, मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो एडमिनिस्टर किया गया है एवरी 4 आवर. एवरी 4 आवर में जो है मैग्नीशियम सल्फेट को जो है वो एडमिनिस्टर किया गया है टू एन इक्लाम्प्टिक क्लाइंट. कैसे? इक्लाम्प्टिक क्लाइंट को. जो इक्लाम्प्टिक कंडीशन भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि सीजर भी होते हैं, इसमें प्रोटीन यूरिया भी होता है, एनीमा भी होता है. तो एक मैग्नीशियम सल्फेट जो है IM एडमिनिस्टर किया गया है एवरी 4 आवर्स से एक इक्लाम्प्टिक क्लाइंट को. विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम, इनमें से कौन सा जो सिम्टम है, इनमें से कौन सा सिम्टम जो है वो इंडिकेट करेगा फॉर नेक्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. तो नेक्स्ट डोज को इंडिकेट करेगा कौन सा सिम्टम. सो हियर यू कैन सी एब्सेंस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्स या रेस्पिरेशन रेट ऑफ 16 पर मिनट या यूरिन आउटपुट ऑफ 50 ml ओवर ब्लास्ट ओवर या कंप्लेंट ऑफ बीइंग इंडस्ट्रिक. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है जो कि नेक्स्ट डोज को इंडिकेट करेगा. तो रेस्पिरेटरी रेट जो है 16 पर मिनट है, तो वो नेक्स्ट जो डोज है मैग्नीशियम सल्फेट को उसको उस वो ये सिम्टम जो है वो इंडिकेट करेगा नेक्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट के लिए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट. तो प्रेजेंस ऑफ नी जर्क, नी जर्क को क्या कहते हैं, पैडलर रिफ्लेक्स भी कहते हैं. तो नी जर्क या पैडलर रिफ्लेक्स अगर प्रेजेंट है, यूरिन आउटपुट मोर देन 30 ml/min पर ओवर, यानी कि जो यूरिन है वो कितना है, 30 ml/hour है, 30 ml/hour यूरिन है ऑन पैडलर रिफ्लेक्स एंड रेस्पिरेशन रेट जो है 12 beats/min से ज़्यादा है, तो ये सब कंडीशन जो है वो नॉर्मल है. ये सब कंडीशन कैसी है, नॉर्मल है. सो इट्स और इंडिकेट फॉर नेक्स्ट डोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. इसलिए ये सभी जो हैं नेक्स्ट डोज मैग्नीशियम सल्फेट की वो इंडिकेट करते हैं. अगर इनमें से कोई भी जो है, जैसे कि रेस्पिरेशन जो है 12 beats/min से ज़्यादा नहीं है, कम है, या यूरिन आउटपुट जो है 30 ml/hour नहीं है, इससे कम है, तो वो इंडिकेट नहीं करेगा. बट ये सब नॉर्मल कंडीशन है, तो ये इंडिकेट करती हैं मैग्नीशियम सल्फेट की नेक्स्ट डोज हम दे सकते हैं. सो नेक्स्ट, हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अ क्लाइंट इज रिसीविंग मैग्नीशियम सल्फेट. क्लाइंट जो है वो रिसीव कर रहा है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है. मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी रिसीव कर रही है फॉर सीवियर प्रीक्लैम्पसिया. एक नर्स को क्या है, एक पेशेंट को क्या है, एक पेशेंट को है सीवियर प्रीक्लैम्पसिया. एक पेशेंट को क्या है, एक पेशेंट को है सीवियर प्रीक्लैम्पसिया है. एंड वो रिसीव कर रही है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट. वो रिसीव कर रही है क्या, मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रही है मैग्नीशियम सल्फेट. एंड व्हाट इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, यानी कि जो टॉक्सिसिटी हुई है उसका जो इनिशियल सिम्टम है, शुड अलर्ट द नर्स इंटरव्यू. तो नर्स को उससे अलर्ट रहना है. इनिशियल जो साइन देखने को मिलता है, तो हाइपर एक्टिव सेनोसरम देखने को मिलता है, या इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट देखने को मिलता है, या डेवलपमेंट ऑफ कार्डिक डिसरेथमिया, या लीक ऑफ नी जर्क मूवमेंट. तो कौन सा साइन देखने को मिलेगा, तो ये वाला साइन देखने को, लीक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स, लेक ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्स. अगर इस टाइप का कोई सिम्टम है, तो इट इज़ अ इनिशियल साइन ऑफ टॉक्सिसिटी, जिससे नर्स को क्या करना है, अलर्ट रहना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर यू कैन सी नेक्स्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीएक्लैम्पसिया हु इज़ रिसीविंग एन इन्फ्यूजन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट. प्रीएक्लैम्पसिया हु इज़ रिसीविंग एन इन्फ्यूजन. प्रीएक्लैम्पसिया जिसमें जो है इन्फ्यूजन कौन सा मैग्नीशियम सल्फेट का जो है रिसीव हो रहा है. असेसमेंट रिवर्स अ पल्स रेट जो है कितनी है, पल्स रेट इसमें यहाँ पे कितनी है, पल्स रेट जो है 55. पल्स रेट कितना है, पल्स रेट जो है वो 55 पर मिनट है. एंड प्रीएक्लैम्पसिया है क्लाइंट को जो रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट, और उसका पल्स रेट है 55 पर मिनट. रेस्पिरेशन रेट जो है वो 12 पर मिनट है. एंड फर्स्ट फेज है, कैसा फेज है, फर्स्ट फेज है. द नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन वुड बी, तो उसमें प्रायोरिटी बेस पे जो है एक्शन क्या लेना है एज अ नर्स को.
कौन कौन सी कंडीशन है, प्री एक्लाम्सिया की कंडीशन है, प्री एक्लाम्सिया वाला क्लाइंट है एंड वो ले रहा है मैग्नीशियम सल्फेट एंड 55 पर मिनट उसका रेस्पिरेशन है प्लस पेस है एंड 12 पर मिनट रेस्पिरेशन 55 पर मिनट पल्स, तो क्या एक्शन लेना है प्रायोरिटी बेस पे, तो है यू कैन सी ऑप्शंस कंटिन्यू इन्फ्यूजन करना है और ऑब्स्ट्रेशन को नोटिफाई करना है या फिर स्टॉप ऑफ इन्फ्यूजन इस इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है एंड स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज और 5% डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन स्टार्ट करना है या फिर कंटिन्यू इन्फ्यूजन करना है, डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है या फिर डिक्रीज द रेट ऑफ इन्फ्यूजन और या फिर इन्फ्यूजन का रेट को कम करना है एंड ऑब्टेन करना है ब्लड सैंपल को फॉर सीरम मैग्नीशियम लेवल। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, अगर ऐसी कंडीशन है तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेस पर क्या हमारा एक नर्स जो है वो क्या एक्शन लेगी, स्टॉप द इन्फ्यूजन, सबसे पहले इन्फ्यूजन को स्टॉप कर देना है एंड देन स्टार्ट करना है इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज। अगर प्री एक्लाम्सिया वाला क्लाइंट है एंड वो रिसीव कर रहे हैं मैग्नीशियम सल्फेट और 55 पर मिनट जो है उसका पल्स रेट है एंड 12 पर मिनट जो है उसका रेस्पिरेशन है एंड फर्स्ट फेज है और नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन लेनी है पेशेंट को स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड स्टार्ट एन इन्फ्यूजन ऑफ 5% डेक्सट्रोज। सो नेक्स्ट हियर यू कैन सी आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट अबाउट द जो हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो अ क्लाइंट है पल्स रेट 55 मिनट, एक क्लाइंट की जो है पल्स रेट कितना है, पल्स रेट है 55 बीट पर मिनट यानी कि कार्डिक डिप्रेशन एंड रेस्पिरेशन रेट जो है 12 बीट पर मिनट यानी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड फर्स्ट फेज है तो आर साइन ऑफ मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी, ये साइन जो होता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का होता है, फर्स्ट फेज जो साइन होता है वो क्या होता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का साइन होता है एंड सो द इन्फ्यूजन ऑफ शुड बी स्टॉप्ड, इसलिए क्या करना है, इसलिए जो है इन्फ्यूजन को तुरंत जो है इन्फ्यूजन को क्या करना है तुरंत इन्फ्यूजन को जो है स्टॉप करना है, शुड बी स्टॉप द इन्फ्यूजन इमीडिएटली एंड आईवी लाइन एंड कीप द आईवी लाइन ओपन डेक्सट्रोज 5 एडमिनिस्टर एंटागोनिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट इज प्रेस्क्राइब। और जो यहाँ पे याद रखने वाला ये है कि मैग्नीशियम सल्फेट का एंटागोनिस्ट कौन होता है, तो मैग्नीशियम सल्फेट का एंटागोनिस्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का जो है एंटागोनिस्ट होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% ऑफ प्रेस्क्राइब। तो यहाँ पे ये याद रखने वाला है कि एंटागोनिस्ट जो है मैग्नीशियम सल्फेट का जो एंटागोनिस्ट होता है वो होता है क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, तो वो तुरंत जो है प्रेस्क्राइब करना है एक क्लाइंट को अगर ऐसी कंडीशंस रहती हैं कि पल्स रेट जो है वो 55 पर मिनट है यानी कि कार्डिक डिप्रेशन है, रेस्पिरेशन रेट 12 बीट पर मिनट से कम है यानी कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है या फर्स्ट फेज जो साइन होता है मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी का होता है और उसको तुरंत इन्फ्यूजन स्टॉप कर देना है और उसको एडमिनिस्टर करना है एंटागोनिस्ट क्या कैल्शियम ग्लूकोनेट या डेक्सट्रोज 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटीडोट यूज्ड इनटू टॉक्सिसिटी, एंटीडोट जो है वो टॉक्सिसिटी में यूज़ किया जाता है, एंटीडोट जो है यूज़ किया जाता है इनटू टॉक्सिसिटी में एंटीडोट जो है यूज़ किया जाता है प्रोड्यूस बाय ओवरडोज को प्रोड्यूस, अगर मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज है तो टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उसमें कौन सा एंटीडोट जो है यूज़ किया जाता है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है इट इज अ एंटागोनिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है जो उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, किसी भी ड्रग के अगेंस्ट वर्क करना इट इज़ एंटागोनिस्ट ऑफ एनी ड्रग। सो कैल्शियम ग्लूकोनेट इट इज़ अ एंटीडोट यूज्ड इनटू टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय ओवरडोज ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट का है कैल्शियम ग्लूकोनेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन
आप प्रेग्नेंट क्लाइंट एक क्या है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है विद प्रेग्नेंसिया। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट जो है, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट उसको क्या है, उसको जो है एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को क्या है, एक प्रीक्लैम्प्सिया, प्रीक्लैम्प्सिया है क्लाइंट को, और रिसीव कर रहा है मैग्नीशियम सल्फेट। एंड व्हाट शुड बी द नर्स गिव द वेट साइट टू प्रिपेयर फॉर पॉसिबिलिटी मैनेजमेंट सल्फेट टॉक्सिसिटी। अगर एक क्लाइंट को जो है प्रीक्लैम्प्सिया है और उसको मैग्नीशियम सल्फेट रिसीव कर रहा है वो, बट मैग्नीशियम सल्फेट से जो होने वाली टॉक्सिसिटी है, मैग्नीशियम सल्फेट से जो होने वाली टॉक्सिसिटी है उसके प्रिवेंशन के लिए एक नर्स जो है पहले से प्रिपेयर कर लेती है बेड साइड में, यानी कि पेशेंट के पास उसके बेड साइड में जो है टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रिपेयर करके रखती है। तो क्या प्रिपेयर करके रखती है, कैल्शियम ग्लूकोनेट को, या ऑक्सीजन को, या नैलिन को, या सक्सिन इक्विपमेंट को। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था क्या कि कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है इट इज़ अ एंटागोनिस्ट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर जो है क्लाइंट को प्रीक्लैम्प्सिया है और वो मैग्नीशियम सल्फेट इन्फ्यूज हो रहा है उसको, और तो मैग्नीशियम सल्फेट की उस टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए एक नर्स को जो है बेड साइड पे कैल्शियम ग्लूकोनेट जो है वो प्रिपेयर करके रखना है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी विच नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो वुड वी रिसीव प्रायोरिटी फॉर अ प्री एक्लाम्प्टिक वुमेन। अगर प्री एक्लाम्प्टिक वुमेन है, कैसी प्री एक्लाम्प्टिक वुमेन है, प्री एक्लाम्प्टिक वुमेन है, तो विच नर्सिंग डायग्नोसिस, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो प्रायोरिटी बेस पे लेना है अगर किसी पेशेंट को, किसी वुमेन को क्या है प्री एक्लाम्प्टिक है, हु इज सिक्स और पोस्ट डिलीवरी। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लेना, हाई रिस्क फॉर इंजरीज में करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, हाई रिस्क ऑफ इंजरी। अगर पेशेंट को प्री क्लाइमेटिक वुमेन है अगर वो, तो उसको रहता है हाई रिस्क ऑफ इंजरी, इंजरी का जो है रिस्क ज़्यादा रहता है, तो उसको प्रायोरिटी बेस पे रखना है। तो हियर यू कैन सी कंटेन अबाउट जो हमारा रिलेट करता है क्वेश्चन से, तो हाई रिस्क फॉर इंजरी इज प्रायोरिटी नर्सिंग एंड डायग्नोसिस फॉर वुमेन विद हिस्ट्री ऑफ प्री क्लाइमेक्सिया। जो हाई रिस्क ऑफ इंजरी है ये प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस है एक वुमेन के लिए जिसको प्री एक्लाम्प्सिया है, क्योंकि प्री एक्लाम्प्सिया में जो है वो इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इसको जो है प्रायोरिटी बेस पर रखा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी को जो है मैनेज किया जाता है वाया नर्स। सो बिकॉज देयर इज़ अ चांस टू डेवलप एक्लाम्प्सिया, क्योंकि इसमें जो है वो एक्लाम्प्सिया होने के चांसेस जो हैं डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल फिट्स ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड, फर्स्ट वीक जो है पोस्टपार्टम पीरियड के फर्स्ट वीक में जो है विच मे कॉज इंजरी टू मदर एज वेल एज न्यू बोर्न। मदर को इंजरी भी हो सकती है और न्यू बोर्न को भी हो सकती है, तो इसलिए अगर मदर को जो है वो प्री एक्लाम्प्सिया जैसी कंडीशन है तो उसको जो है रिस्क, हाई रिस्क होता है इंजरी का, एंड हाई रिस्क इंजरी को एज अ नर्स जो है प्रायोरिटी बेस पे हमें जो है वो मैनेज करना है। एंड ये इंजरी जो है वुमेन एज वेल एज उसके न्यू बोर्न बेबी को भी हो सकती है ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ पोस्टपार्टम पीरियड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी बेड रेस्ट इज इसेंशियल इन प्री एक्लाम्प्सिया सिंस इट, बेड रेस्ट जो है इसेंशियल है, बेड रेस्ट क्या है, बेड रेस्ट इसेंशियल है, बेड रेस्ट इसेंशियल है इन प्री एक्लाम्प्सिया सिंस इट, प्री एक्लाम्प्सिया में जो है बेड रेस्ट इसेंशियल है प्री एक्लाम्प्सिया में, कब तक प्रिवेंट एक्लाम्प्सिया, एक्लाम्प्सिया को प्रिवेंट करने के लिए बेड रेस्ट इसेंशियल है, या मोबिलाइज टिश्यू फ्लूड देयर बाय ब्लॉर्निंग लोअरिंग बीपी, या इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड डिक्रीज एडिमा, या प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर। तो बेड रेस्ट जो है वो इसेंशियल रहता है प्री एक्लाम्प्सिया में, क्यों, क्योंकि इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना है एंड इडीमा को कम करना है, इसलिए जो है अगर कोई भी पेशेंट प्री एक्लाम्प्सिया वाला होता है तो उसके लिए बेड रेस्ट इसेंशियल होता है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कराना है एंड इडीमा को कम करवाना है। सो इसलिए सो क्या है, थर्ड ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट कंटेंट रिलेटेड टू अवर क्वेश्चन। तो एडवांटेज ऑफ बेड रेस्ट इन प्री एक्लाम्प्सिया है, जो प्री एक्लाम्प्सिया में बेड रेस्ट जो होता है, बेड रेस्ट पेशेंट को एडवाइस किया जाता है, तो उसका उसका एडवांटेज देखेंगे।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कॉज ड्यूरेसिस, इट कॉज ड्यूरेसिस, इट कॉज ड्यूरेसिस ड्यू टू इंक्रीज रीनल ब्लड फ्लो एंड टिश्यू फ्लूइड मोबिलाइजेशन विच रिजल्ट इन टू लोअरिंग बीपी और एडिमा, इंक्रीज द यूट्राइन ब्लड फ्लो विच रिजल्ट इन टू पेरिप्लेजेंटल पर्फ्यूजन. So next question here, you can see the importance of measuring in intake and output of women admitted with toxemia or pregnancy is to. The importance of measuring the intake and output of women admitting. जो है इस question में पूछा है कि intake and output का जो mother ले रही है उसका intake and output जो है उसका measure करने की importance. एडमिटेड विद टॉक्सिसीमिया, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो टॉक्सिसीमिया से कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो उसका इनटेक एंड आउटपुट लेना इम्पॉर्टेंट है. नो द ब्लेडर इज कम्प्लीटली इम्पिटी, ब्लैडर को कम्प्लीटली इम्पटी है ये जानने के लिए लिया जाता है. यह टॉक्सिसीमिया चार्ट को कम्प्लीट देखा जाता है, यह इंश्योर किया जाता है इनटेक आउटपुट को, यह शो किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द इनटेक एंड आउटपुट. इनटेक एंड आउटपुट के जो इनटेक एंड आउटपुट इनके बिटवीन का जो रिलेशन है उसको शो करने के लिए जो है वो इन वो जो है इम्पोर्टेंस होती है फॉर द मेजरिंग इनटेक एंड आउटपुट ऑफ द चार्ट. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे इम्पोर्टेंट कंटेंट कि टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी. टॉक्सीमिया और प्रेगनेंसी इज़ आ प्रीवियसली यूज टर्म फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, यानी जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन जो है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का जो पहले जो नाम था वो क्या था, टॉक्सीसीमिया, वो था टॉक्सीसीमिया. प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का जो पहले नाम था वो था टॉक्सीसीमिया ऑफ प्रेगनेंसी, वो क्या नाम था, टॉक्सीसीमिया ऑफ प्रेगनेंसी. तो टॉक्सीसीमिया ऑफ प्रेगनेंसी जो है प्रीवियसली यूज टर्म ऑफ फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड टोटल फ्लूइड जो है मेनली शुड नॉट एक्सीड द प्रीवियस 24 आवर यूरिन आउटपुट पर प्लस 1000 ml. सो मेजरिंग इनटेक एंड आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट. फ्लूइड ओवरलोड में कॉज पल्मोनरी एडिमा एंड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, क्योंकि एक पेशेंट ने जो है क्या किया है, फ्लूइड टोटल फ्लूइड मेनली आरएल शुड नॉट एक्सीड, आरएल एक्सीड नहीं करना है एंड प्रीवियस 24 में यूरिन आउटपुट कितना रहा है, 1000 ml रहा है एंड मेजरिंग इनटेक एंड आउटपुट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसमें फ्लूइड ओवरलोड कॉज हो सकता है जिसकी वजह से एडिमा कॉज हो सकता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी, यहाँ पे देखना है हमको कि एंटीपार्टम हैमरेज जो है यानी कि जिसे APH कहते हैं, तो एंटीपार्टम हैमरेज का मतलब होता है एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम 24 आवर, 24 वीक से जो है एक्सेसिव ब्लड लॉस होना ऑफ प्रेगनेंसी जो बिफोर ऑनसेट ऑफ लेबर यानी कि लेबर का प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जो है प्रेगनेंसी के दौरान 24 वीक से जो है एक्सेसिव ब्लड होना, दैट इज एंटीपार्टम हैमरेज. 70% चांसेस होते हैं APH के आर ड्यू टू प्लासेंटल ब्लीडिंग के कारण जो है 70% चांस होते हैं APH के, जैसे कि प्लासेंटा प्रीवियर 35%, एवरेज प्लासेंटा 35% एंड 25% कॉज APH आर स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस एबॉर्शन रप्चर ऑफ प्रेगनेंसी एंड सम कॉज रिमेन अनएक्सप्लेन्ड. सो नाउ हियर यू कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमेन इज 35 वीक्स प्रेगनेंट, एक वुमेन जो है वो 37 वीक्स प्रेगनेंट है, एक वुमेन जो है जो प्रेगनेंट है 37 वीक्स प्रेगनेंट है एंड सी इज ब्लीडिंग प्रोफेसली विद नो पेन, उसको ब्लीडिंग हो रहा है बट पेन नहीं हो रहा है, तो क्या सजेस्ट करेंगे उसे, 37 वीक ऑफ प्रेगनेंट है, ब्लीडिंग हो रही है बट पेन नहीं हो रहा, तो एंटीपार्टम हैमरेज है ये, अनऑडिबल हैमरेज है, एक्सीडेंटल हैमरेज है, ये कंसील्ड हैमरेज है, तो ये किस टाइप का हैमरेज है, तो ये एंटीपार्टम टाइप ऑफ हैमरेज होता है, एंटीपार्टम टाइप ऑफ हैमरेज होता है जिसे कहते हैं APH. तो एंटीपार्टम हैमरेज टाइप ऑफ जो है वो ये 37 वीक्स प्रेगनेंट एंड सी ब्लीडिंग प्रोफेसली नो पेन, बिना पेन के ब्लीडिंग हो रही है 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंट वुमेन के, तो वो एंटीपार्टम हैमरेज यानी कि APH होता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी,